गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मानव में हेलमिंथस जनित रोगों के बारे में। यानी आज का डिस्कशन रहेगा मानव में उन रोगों के बारे में जो रोग हेलमिंथस जो जंतु हैं उनके संक्रमण के कारण होते हैं। आज का टॉपिक क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 40, इसका ये आज लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में हमने नॉन इन्फेक्शियस डिजीज असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा और इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा। तो जब हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां हमने डिफरेंट कैटेगरी इनफेक्शियस डिजीज की डिस्कस की। कुछ हमने वायरल डिजीज डिस्कस की थी, कुछ हमने बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस की थी और कुछ हमने प्रोटोजोअन डिजीज डिस्कस की थी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेलमिंथस डिजीज के बारे में। ये उसी इन्फेक्शियस कैटेगरी की एक कैटेगरी है। तो स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने किंगडम एनिमेलिया जो जंतु जगत था उसका एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण डिस्कस किया था और उसमें हमने जंतु जगत के कुछ फाइलम संघ डिस्कस किए थे। तो नाम याद होंगे आपको, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, इस तरह से। तो आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली जंतुओं के दो जो फाइलम हैं, संघ हैं, उनसे संबंधित है। प्लेटी हेलमिंथस जिन्हें कॉमनली चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। तो जो फाइलम प्लेटी हेलमिंथस हैं इन्हें भी हेलमिंथस जंतुओं की श्रेणी में रखा गया है और इस फाइलम के भी कई जंतु मानव में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा एक फाइलम है नीमेटोडा। तो इस नीमेटोडा जो फाइलम है इसमें एस्केरिस जैसे कई जंतु रखे गए हैं। तो नीमेटोडा को भी हेलमिंथस जंतु कहा जाता है। तो हेलमिंथस जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में
दो संघों के जंतु सम्मिलित हैं, प्लेटीहेलमिंथस फाइलम के जंतु और नीमेटोडा फाइलम के जंतु। तो आज जो मानव रोग हम डिस्कस कर रहे हैं वो या तो नीमेटोडा फाइलम के जंतुओं के कारण होने वाले हैं या ये रोग प्लेटीहेलमिंथस फाइलम के जंतुओं के कारण होने वाले हैं। अब ऐसे कौन से रोग हैं इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में ऐसी फोर डिजीज ब्लैक बोर्ड पर मेंशन की हैं, तो ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जैसा मैंने आपको पिछली दो क्लासेस में बताया है कि एग्ज़ाम में इस यूनिट से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और जनरली आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में होता है कि 2 कॉलम होंगे। कॉलम ए में कुछ डिजीज के नाम होंगे और कॉलम बी में उन डिजीज के लिए जो रोगजनक हैं, जो जंतु उत्तरदायी हैं, उसका नाम होगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये मानव के सामान्य रोग पढ़ने हैं। तो मैंने 4 डिजीज ली है, पहली एस्कैरियासिस, दूसरी एंटेरोबायसिस, तीसरी ड्रैकनक्यूलोसिस, चौथी टीनियासिस। तो जो फर्स्ट 3 है यहां पर मैंने लेबलिंग की हुई है 1, 2, 3। जो पहली 3 है ये नीमेटोडा इस फाइलम के जंतुओं से संबंधित हैं और जो फोर्थ है टीनियासिस, लेबलिंग में दिख रहा होगा आपको, ये प्लेटीहेलमिंथस फाइलम से संबंधित रोग हैं। तो अब समझते हैं ये रोग क्या है, कौन सा रोगजनक है, संक्रमण कैसे हो सकता है, तो ऐसी कुछ जानकारियां डिस्कस करें। पहले रोग के बारे में बात करेंगे, ये है एस्कैरियासिस। ये जो रोग है ये एडल्ट के कंपैरिजन में जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनमें कॉमन रूप से पाया जाने वाला एक रोग है। तो एस्कैरियासिस इज ए कॉमन डिजीज एंड इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। क्या होता है इस डिजीज में, जो इसका रोगजनक है वो फाइलम नीमेटोडा का एक मेंबर है जिसका नाम है एस्कैरिस, और एस्कैरिस है इसे कॉमनली राउंड वर्म, गोल क्रमी के नाम से जाना जाता है। तो इसे राउंड वर्म, थ्रेड वर्म इन नामों से जाना जाता है। इस एस्कैरिस के जो एग्स हैं, अंडे हैं, वो वाटर बॉडीज, तालाब, बावड़ी, वहां पर ये अपने अंडे देता है। तो वाटर बॉडीज में इसके एग्स प्रेजेंट हैं या इसके एग्स या तो बच्चों में इन अंडों का प्रवेश
पानी के साथ हो जाएगा, या फिर भोजन जो है उसमें भी इसके अंडे हो सकते हैं। तो थ्रू फूड और थ्रू वाटर ये अंडे बच्चों के शरीर में एंटर करते हैं और फिर ये पहुंच जाता है इंटेस्टाइन में। तो भोजन के साथ, पानी के साथ ये अंडे इंटेस्टाइन में पहुंचे, मेटामॉर्फोसिस होता है वहां, कायांतरण की क्रिया होगी और एक एडल्ट एस्केरिस बन जाता है। फिर ये एस्केरिस वहां से किडनी में, लंग्स में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच सकता है। जब तक ये इंटेस्टाइन में है तो इसकी उपस्थिति के कारण आत्रशोध करके एक रोग होता है, इस रोग को एस्कैरियसिस, जिसमें इंटेस्टाइन में घाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो बचाव के लिए जल स्रोतों का जो पानी हम पीने के लिए काम में लें, छानकर उबालकर उपयोग में लिया जाए ताकि उसके अंडे डिस्ट्रॉय हो जाए, एक डिस्कस किया। दूसरी जो डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एंटेरोबायोसिस। एंटेरोबायोसिस भी एक हेलमिंथस जनित रोग है और जिस नीमेटोड के कारण ये रोग होता है उसका नाम है एंटेरोबायस वर्मिक्यूलरिस। ये जो जंतु हैं एंटेरोबायस वर्मिक्यूलरिस, इसे सामान्यतः पिनवर्म के नाम से जाना जाता है। तो एंटेरोबायस वर्मिक्यूलरिस फाइलम नीमेटोडा का एक मेंबर है, कॉमनली इसे पिनवर्म इस नाम से जाना जाता है। और ये रोग भी जो एंटेरोबायोसिस वर्मिक्यूलरिस है ये भी वयस्क की तुलना में बच्चों का एक सामान्य रोग है। जो ये पैथोजन है, रोगजनक है, पिनवर्म एंटेरोबायोस वर्मिक्यूलरिस, ये मलाशय जो रेक्टम है, आहार नाल का भाग, वहां पर रहता है और जिसके कारण जो गुदा क्षेत्र है, एनल रीजन है, वहां पर खुजली आना, इस तरह की जो लक्षण है वो प्रकट होते हैं। तो दूसरा जो रोग हमने डिस्कस किया वो रोग था एंटेरोबायोसिस। तो दो रोग अभी तक हमने डिस्कस किए, एस्कैरियासिस और एंटेरोबायोसिस। तीसरा जो रोग हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रैकनक्यूलोसिस। ड्रैकनक्यूलोसिस रोग भी एक नीमेटोडा फाइलम का एक मेंबर है, एक जंतु है ड्रैकनक्यूलस, जिसे नारू या बाला के नाम से जाना जाता है, उसके कारण होने वाला एक रोग है। क्या होता है इस स्थिति में कि जो ड्रैकनक्यूलस हैं ये सब क्यूटेनियस जो स्किन है, एपिडर्मिस डर्मिस, तो उसके नीचे सब क्यूटेनियस पार्ट है, तो वहां पर ये ड्रैकनक्यूलस प्रेजेंट होते हैं, संक्रमण के बाद वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर इनकी जो फीमेल है, मादा है, वो अपने भ्रूण को मुक्त करने के लिए उस सब क्यूटेनियस स्किन से बाहर आने की कोशिश करती है। तो फीमेल बाहर आने की कोशिश कर रही है अपने भ्रूण को मुक्त करने के लिए,
तो वो क्या करती है, एक रसायन केमिकल रिलीज करती है ड्रैकनकुलस की फीमेल, और उस केमिकल के कारण स्किन पर एक फफोला या एक छाला बन जाता है, स्वेलिंग आई हल्की सी, एक निशान बना और एक फफोले जैसी स्थिति बनी। फिर ये मादा क्या करती है, उस स्थान को भेद कर बाहर निकलती है, तो उस समय पीड़ा होती है। कई बार ये तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं तो भी पीड़ा होती है, असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। सामान्यतः गांवों में क्या किया जाता था, पहले एक सामान्य रोग था तो उस समय इस फीमेल को एक लकड़ी के गोल टुकड़े के चारों ओर धीरे धीरे लपेटा जाता था। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता था कि जंतु का कुछ हिस्सा लपेटते समय टूटकर शरीर के भीतर ही रह जाता था और वो एक विषैला रसायन उत्पन्न करता था जिसके कारण कई असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। तो वर्तमान में सर्जरी द्वारा चिकित्सकों की सलाह से इस जंतु को बाहर निकाल दिया जाता है। सामान्यतः ये रोग जो ओपन वाटर बॉडी जैसे बावड़ी है, तालाब है, यहाँ का जो ओपन वाटर बॉडी का जो जल है, पानी है, वो पीने के लिए काम में लिए जाने के कारण ये रोग होता था। तो तीसरा रोग हमने डिस्कस किया ड्रैकनक्यूलोसिस, ये भी फाइलम नीमेटोडा के द्वारा होने वाला एक रोग है और इसका जो रोग जनक है वो है ड्रैकनक्यूलस, जिसे नारू या बाला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक रोग और है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जिसे एलिफेंटियसिस, हाथी पांव, इस नाम से जाना जाता है। वो भी एक नीमेटोड डिजीज है जिसमें जो संक्रमित व्यक्ति है उसके पैर हैं वो आकार में कई गुना बढ़ जाते हैं और हाथी के जैसे दिखाई देते हैं। इस रोग को एलिफेंटियसिस या हाथी पांव के नाम से जाना जाता है और ये भी एक नीमेटोड डिजीज है। तो ये चार नीमेटोड डिजीज बताई, तीन के बारे में हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टीनियसिस, ये रोग प्लेटी हेलमिंथस फाइलम जो है उसका एक मेंबर है, एनिमल है टीनिया। टीनिया की कई प्रजातियां हैं जिसमें एक कॉमन सी प्रजाति है टीनिया सोलियम, इसे हम टैपवर्म, फीता क्रमी कॉमनली इस नाम से भी जानते हैं। तो इस टैपवर्म या टीनिया सोलियम के कारण मानव में टीनियसिस रोग होता है। डिस्कस करते हैं क्या है इस स्थिति में। टीनिया सोलियम जो है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक का मतलब है ये पैरासाइट टीनिया सोलियम अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन चक्र दो अलग अलग होस्ट परपोषियों में पूरा करता है। एक प्राइमरी होस्ट है प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी होस्ट है द्वितीयक परपोषी। तो जब हम टीनिया सोलियम की बात करें तो ये अपने लाइफ साइकिल का एक हिस्सा तो मानव में कंप्लीट करता है, मनुष्य के अंदर, और एक हिस्सा ये पिग सुअर में कंप्लीट करता है। तो ऐसे रीजंस, विश्व के ऐसे एरियाज जहां पर सुअर का मांस खाया जाता है और पर्टिकुलरली अगर वो कच्चा है, पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है, ऐसा अगर मांस खाया जाता है तो ये टीनिया सोलियम के कुछ लार्वल स्टेज हैं इसके जीवन चक्र में,
वो लार्वा मानव में प्रवेश कर जाते हैं और उस प्रकार से टीनियसिस रोग उत्पन्न होता है। तो आज हमने डिस्कस किया मानव के कुछ सामान्य रोगों में हेलमिंथस जनित रोगों के बारे में। तो आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा, और इस प्रकार ये कुछ पार्ट्स में हमने हमारे सिलेबस का जो लेसन नंबर 40 था वो आज कंप्लीट किया। तो इस यूनिट के हम ये दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम इस यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन समष्टि, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।